जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के एक नाबालिग युवक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा दो की टीम ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में संदीप कुमार पुत्र राजेश वासी बीबीपुर शाहबाद सहित एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल ने बताया कि 7 मार्च को थाना शाहबाद में दी अपनी शिकायत में मयंक सैनी पुत्र प्रवीण सैनी वासी नलवी थाना शाहबाद ने बताया कि वह विश्वास स्कूल शाहबाद में पढ़ता है। 6 मार्च को वह और उसका दोस्त हुड्डा पार्ट 1 शाहबाद में ट्यूशन से वापसी पर समय करीब 5 बजे हुड्डा पार्ट 1 पार्क में बात कर रहे थे। उसी समय पार्क के पास एक कार आकर रुकी जिसमें तुषार सहित 6 लड़के बैठे थे, जो सभी अपने हाथों में डंडे चाकू व तलवारों सहित कार से नीचे उतरे और सभी ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर हमला कर दिया। उन सभी ने चाकू तलवार व डंडों से उसके दोस्त वीरेंद्र और सौरभ के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोटें आई। जो उन्होंने बचाव का शोर मचाया तो सभी लड़के अपने हथियारों सहित कार में बैठकर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। राहगीरों ने उसके दोस्त वीरेंद्र व सौरभ को सरकारी अस्पताल शाहबाद में दाखिल करवा दिया, जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच पुलिस चौकी हुड्डा शाहबाद के सहायक उप निरीक्षक कृष्णलाल को सौंपी गई। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 को सौंपी गई। 9 मार्च को अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक जानपाल की टीम ने मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए हमला करने के 2 नाबालिग सहित आरोपी तुषारप्रीत सिंह उर्फ तुषार पुत्र प्रदीप कुमार वासी शाहबाद मारकंडा कॉलोनी शाहबाद को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी व बिंडा लकड़ी बरामद किया गया था। दोनों नाबालिगों को माननीय अदालत के आदेश पर बाल सुधार गृह में अम्बाला में भेजा गया था। आरोपी तुषारप्रीत सिंह उर्फ तुषार वासी मारकंडा कॉलोनी शाहबाद को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। 16 मार्च को अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रतीक कुमार के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक जानपाल की टीम ने मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोपी शाहबाद वासी नाबालिग सहित संदीप कुमार पुत्र राजेश कुमार वासी बीबीपुर शाहबाद को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग युवक व आरोपी संदीप कुमार से वारदात में प्रयोग 2 चाकू बरामद किए गए। नाबालिग को माननीय अदालत के आदेश पर बाल सुधार गृह अम्बाला भेजा गया है। आरोपी संदीप कुमार को माननीय अदालत में पेश किया गया। 7 मार्च 2023 को शाहबाद हुड्डा पार्क में आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया था, तो उसमें 3 जो नौजवान बच्चों को चाकू मारकर उनके ऊपर हमला किया था और उनको घायल कर दिया था। उसमें 307 IPC के तहत शाहबाद थाने में केस रजिस्टर हुआ। उसी कड़ी में हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते, उसमें 3 आरोपियों को हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था और टोटल हमने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोटल हमने 5 आरोपी इसके अंदर गिरफ्तार कर लिए हैं और गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनसे हमने जो जिस चाकू के साथ हमला किया था उस चाकू को भी हमने बरामद कर लिया है और इस केस के अंदर जो गाड़ी इस्तेमाल की थी वो भी हमने इसमें पहले बरामद कर लिया, जिनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।